गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर सेकेंड स्किपिंग शूज वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? एक किटी नाम की गर्ल का बारे में चैप्टर है जिसके पास मैजिक शूज आ जाते हैं और वो बहुत ही फन करती है उन शूज के साथ। ओके, हमने कल कहाँ पे ख़त्म किया था? जहाँ पे किटी को ये पता चलता है कि जो वो मैजिक शूज़ है वो उसकी हेल्प तब करती है जब वो काइंड होती है। तो जब उसे ये बात पता चलती है तो क्या है, वो बहुत ही काइंडली वर्ड्स में अपने एक फ्रेंड को बोलती है कि अगर तुम्हारी बॉल हेज के ऊपर गिर गई है तो मैं आपको ला दूँ। हेज मीन्स बशेस। ओके, जब वो ये बात बोलती है तो जो उसके शूज़ है वो उसकी हेल्प करते हैं और वो बहुत ही इजी वे में उसकी जो बॉल है बुशेस से उसे लाकर दे देती है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि जो किटी है वो बहुत खुश होती है ये देखकर और डांस करने लगती है और वो डांस करती रहती है काफ़ी देर तक। और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसे कॉपी करना चाहते हैं कि हम भी इसके जैसा डांस करें, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि किटी के पास तो मैजिक शूज़ होते हैं बट उसके फ्रेंड्स के पास नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर पे आती है, स्कूल से वापस घर पे आती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सिस्टर उसे क्या करती है कि मुझे कुछ स्ट्रॉबेरीज ला दो लंच के लिए। वो बहुत थकी हुई होती है बट उसके जो शूज़ है वो उसे फोर्स करते हैं कि वो उसकी सिस्टर को स्ट्रॉबेरीज ला दे, तो वो उसका भी काम कर देती है। अदरवाइज नहीं तो किटी हर काम के लिए ना बोलती है, उसे जो भी काम दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मा उसको बोलती है कि अगर आप फ्री हो, अगर आपकी विश हो तो आप जो गरीब लोग हैं उनको कुछ चीज़ें बांट आओ। तो उसकी मम्मा उसको फोर्स नहीं करती कि ये काम आपको करना ही है, उसे बोलती है कि अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना तो मत करो। तो क्या है, किटी जो है वो अपनी मम्मा को बोलती है मैं तभी वो पुअर लोगों के पास जाऊंगी अगर आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं वापस होते हुए फेरीलैंड से वापस आऊंगी। तो उसकी मामा बोलती है कि आप जा सकते हो फेरीलैंड, तो वो खुशी खुशी क्या है चली जाती है। वो वहाँ पे क्या करती है कि जो सिक बेबी होता है, बीमार बेबी होता है, उसको क्लोथ्स देती है, लेम गर्ल को बुक्स देती है, ओल्ड वुमेन को मनी देती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें वो चीज़ें बांटती है। तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जब भी कोई भी किसी गरीब की हेल्प करता है तो उसे खुशी मिलती है। तो इसी तरह किटी को भी बहुत खुशी मिलती है लोगों की मदद करते इस समय। ओके, इसके बाद क्या होता है, वो वापस आते समय कहाँ से आती है, फेरीलैंड में, जहाँ पे बहुत ही काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो उसने पहली बार अपनी लाइफ में देखे होते हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है ये सब देख कर। रास्ते में क्या होता है कि उसके पास एक ग्रास हॉपर आता है। ग्रास हॉपर क्या उससे क्वेश्चन करता है कि आप भी ग्रास हॉपर की फैमिली में हो? क्यों वो उससे ये क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि उसके भी लॉन्ग लिप्स होते हैं तो इसलिए आप भी क्रॉक की फैमिली से हो। तो ये देखकर वो शॉक्ड होती है कि मैं नहीं। फिर वो उसको बताती है कि मेरे पास मैजिक शूज़ है, तो जो वो है उसकी बात में समझ जाता है। तो उसको बताता है कि ये जो मैजिक शूज़ है जी कि इसकी वजह से मिड समर डे चल रहा है इसलिए तुम्हारे पास ये पावर है। और वो उसको बताता है कि ये पावर तुम्हारी आज दिन ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो किटी होती है वहाँ पे सारे इंसेक्ट्स जो भी होते हैं उनकी सारी बातें समझती है, उसके साथ बहुत फन करती है, सिंगिंग करती है, लाफिंग करती है, तो जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करती है। तो जब डे ख़त्म होता है तो वो अपने घर जाना होता है, जब सनसेट होता है तो उसने वापस अपने घर पे जाना होता है। तो क्या होता है कि होपिंग टू लर्न सम ग्रेसफुल स्टेप्स बिफोर द डे वन। तो जे वाला डे ख़त्म होने से पहले जो किटी है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखना चाहती है कि जे दिन ख़त्म होने से पहले मैं सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें सीख लूँ। फ्यू मिनट मोर, जब वो घर लौटती है तो वो डांस करती है। क्या सोच के डांस करती है, उसकी मम्मा उसे देखकर ये बोल दे कि तुम भी डांस में पार्टिसिपेट कर लो। तो उसकी मम्मा बोलती है अब बहुत हो गया, अब आप सो जाओ। तो उसके बाद क्या होता है, सनवास गोन हो जाता है, ठीक है, शूज़ बिकम कॉमन वन। तो दिन ख़त्म होने के बाद जो वो शूज़ होते हैं वो कॉमन बन जाते हैं, उनमें कोई भी मैजिक नहीं रहता है। तो जो किटी ने इस शूज़ के ज़रिए जो लेसन सीखा है वो कभी भी भूल नहीं पाती है। तो इससे वो क्या है, काइंड हार्टेड हो जाती है। तो उसको बहुत
पता चलता है कि अच्छे काम करने चाहिए। इसके अलावा उसे बहुत सारे क्रिएचर्स जो फेरी लैंड में उसने देखे उनके बारे में पता चलता है। तो सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द गर्ल हुज नेम इज़ द किटी एंड हु हैव अ मैजिक शूज फॉर वन डे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।